आनंद सिंह डांगी इतना बौखला चुका है कि वहां खुद 134 नंबर बूथ पे बस स्टैंड पे जो मदीना में मदीना के अंदर वो खुद 20-25 लोगों के मैं वहां देखने गया था ठीक चल रैक दी है और मेरे खुद आनंद सिंह डांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं अरे धक्के मरवाए हैं ये मेरा पीए है इसको इतना मारपीट की है देखो इसका मुंह बसारा ये उपड़ा हुआ इसमें ये हालात है उसकी हार की बौखलाहट आज वो फिर एक मेहम कांड कराने की सोच रखता है। मेरी अपने पूरे हलके के लोगों से सबसे अपील है कि आप शांति बनाए रखें इसकी इन बातों में ना आकर अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसी जो घिनौनी सोच इसकी है अपने बेटे को जिताने के लिए ये आपके बच्चों को मरवाने की तक की सोच रखता है तो इससे बचना है शांतिपूर्व भाईचारा बना के इस चुनाव को लड़ना है। मेरी अपील है पूरे हलके के लोगों से सभी भाइयों से बड़ों से छोटों से युवाओं से कि संयम रखें इसकी इस उसकी वजह से एक नया मेम कांड की जो है ना यहाँ ना होने दें मेरी सबसे अपील है।